So Rishabh, let's talk about life insurance industry. What are the different teams and कौन से अलग softwares use होते हैं? एक पूरा overview हम लोग को दे दो life insurance industry का. Okay. So start. There are a lot of teams. मतलब बहुत सारे teams होता है एक actual company में life insurance companies में. For example, embedded value और value of new business करके एक team होता है. तो उनका main purpose होता है कि आपका जो आपने business लिखा उस तो एक life insurance company में एक्चुअल डिपार्टमेंट में काफ़ी सारे टीम्स होते हैं. फॉर एग्जांपल पहला हो गया प्राइसिंग टीम. तो प्राइसिंग टीम क्या करता है, उसका मेन काम होता है, फॉर एग्जांपल हम लोग कोई भी पॉलिसी खरीदते हैं हम लोग को प्रीमियम देना पड़ता है, तो प्रीमियम का कैलकुलेशंस वो सब प्राइसिंग टीम्स करती है. फिर सेकेंड टीम हो गया वैल्यूएशन टीम. तो इंश्योरेंस कंपनी को IRDA रेगुलेट करता है, तो IRDA का बहुत सारा रिक्वायरमेंट्स होते हैं, जैसे रिजर्व्स निकालना जो हम लोग CT5 में पढ़ते हैं कैसे रिजर्व निकालते, तो वही कॉन्सेप्ट के थ्रू आपका रिजर्व वगैरह निकलता है. तो वो निकालना, मंथली वैल्यूएशन, क्वार्टरली वैल्यूएशन, ईयरली वैल्यूएशन, सब अलग अलग वैल्यूएशंस वगैरह होते हैं. फिर एक टीम हो गया एम्बेडेड वैल्यू टीम और वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस VNB बोलते हैं, EV and VNB बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल कोई भी लिस्टेड कंपनी है तो उनका बिजनेस प्रेजेंटेशन में एम्बेडेड वैल्यू रिपोर्ट होता है, मूवमेंट रिपोर्ट होता है कि 100 रुपया स्टार्टिंग में था, 150 रुपया एंड में था, तो मूवमेंट की 50 रुपया किस किस कारण से आपका ये कारण से आपका वो हुआ, तो ये सब कैलकुलेशन, ये सब एनालिसिस करना. VNB भी बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है कि इस साल आपने जो बिजनेस लिखा उससे आप कितना प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे हो. अब हर अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे टर्म इंश्योरेंस होता है, यूनिट लिंक्ड होता है, फिर पार्टिसिपेटिंग प्रोडक्ट होता है, फिर नॉन लिंक्ड सेविंग्स प्रोडक्ट होता है. तो सबका अलग अलग फीचर्स होता है, सबका अलग अलग VNB वगैरह होते हैं, तो सब एनालिसिस वगैरह करना. फिर बिजनेस प्लानिंग टीम होता है, बिजनेस प्लानिंग टीम आपका प्लानिंग करते हैं कि 3 ईयर डाउन द लाइन आप क्या प्रॉफिट एक्सपेक्ट वगैरह कर रहे हैं, आपका क्या प्रोडक्ट बेचोगे, कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के साथ आप ज़्यादा बेचने वाले हो, कौन सा प्रोडक्ट के लिए आप एग्रेसिव होंगे, ये सब बिजनेस प्लानिंग टीम प्लान करता है. फिर एक्सपीरियंस एनालिसिस टीम हो गया. तो हर इंश्योरेंस कंपनी अजम्पशन बिल्ड करता है, फॉर एग्जाम्पल मोर्टैलिटी का, परसिस्टेंसी का, सरेंडर का, तो ये सब चीज़ कैलकुलेट करता है एक्सपीरियंस एनालिसिस टीम, एंड ये अजम्पशन आपके सारे कैलकुलेशन में यूज होते हैं. फिर एक टीम होता है मॉडलिंग टीम. मॉडलिंग टीम बेसिकली हमारा एक्चुअली सॉफ्टवेयर होता है, हर कंपनी कोई सॉफ्टवेयर के थ्रू ये सब कैलकुलेशंस करता. तो कोई भी फॉर एग्जांपल नया प्रोडक्ट आ गया तो नया प्रोडक्ट को सॉफ्टवेयर में इनकॉर्पोरेट करना और सब रिजल्ट्स एज पर एक्सपेक्टेशंस आ रहे या नहीं आ रहे वो मॉडलिंग टीम एक बार अपने एंड में देखती है, मतलब प्रोडक्ट को कोड करना जिसको हम लोग बोलते हैं एक्चुअली में. हर कंपनी में अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस में मेनली प्रॉफिट करके एक सॉफ्टवेयर होता है वो सबसे ज़्यादा वाइडली यूज होता है.